दीवानी थी, हवा पे आस लगा बैठी, मस्त हवा के झोंकों को दिल का हाल सुना बैठी। गर मस्त हवा के झोंकों को इस दिल का हाल सुनाया था, लगता है कभी तूने भी किसी से दिल लगाया था। तो से नैना लागे तो से नैना लागे। आज तो ईद है, दुनिया की रौनक को छोड़कर तुम इस वीराने में क्या कर रही हो अकेली? दुनिया की रंगीनी दिल की वीरानी को नहीं बदल सकती। और अगर यही सवाल तुमसे मैं पूछूं तो? दुनिया की रंगीनियों से मेरा भी कुछ खास ताल्लुक नहीं। हमारी दोस्ती तो बस इन तन्हाइयों से ही है। तुम्हारी उदासी की वजह जान सकता हूं मैं? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। तुम्हें यूं तन्हा बैठे देखकर लगता है कि तुम किसी के इंतजार में। हाँ, कर रही हूँ इंतजार, किसी के झूठे वादे के पूरा होने का इंतजार। एक दूसरे को कभी देखा नहीं था हमने, लिख कर बात करते थे हम। मैं तो बस तेरी चाह। एक साल बाद यही मिलने का वादा किया था उसने। मैं तो आ गई लेकिन वो आज तक नहीं आया। जरूरी तो नहीं कि वादा करके पूरा ना करने वाला बेवफा ही हो। कभी कभी किस्मत भी इंसान के वादों के आड़े आ जाती है। कर लिया। बेवफाई को किस्मत के पर्दे में छुपाने से सच्चाई तो नहीं बदली जा सकती ना। ये सच है कि वक्त एक हकीकत है, लेकिन वक्त से भी बड़ी हकीकत है मौत। जिसके आगे कोई वादा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं ये कैसे मैं? मैं भी एक मुद्दत से इंतजार ही तो कर रहा था तुम्हारा इंतजार, ताकि एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मोहब्बत को देख सकूं और उसे ये यकीन दिला सकूं कि हमारे दरमियान दूरियां डालने वाली ये बेवफाई नहीं बल्कि किस्मत है, जिसने मुझे तुमसे मिलने से पहले ही तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया।
तुम्हारा दिया तोहफा तुम्हें लौटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंतज़ार यहाँ पूरा होता है। लेकिन मेरी मौत से मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, इस जहाँ में नहीं तो किसी और जहाँ में मिलेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मोहब्बत, वादे और किस्मत, जिंदगी क्या बस चंद पल का अफसाना है।